नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। उत्तराखंड का कोरोना बुलेटिन सामने आ चुका है। पिछले 24 घंटे में एक बार फिर से उत्तराखंड में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। कल उत्तराखंड में कोरोना के 1233 केस मिले थे, आज इससे भी बड़ा विस्फोट हुआ है। 1333 नए केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके अलावा उत्तराखंड के 6 जिलों में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। ये जिले कौन से हैं मैं आपको भी बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आप इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए आज के कोरोना बुलेटिन की अब बात करते हैं। दोस्तों, कोरोना की लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर देश भर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब रविवार का कोरोना बुलेटिन सामने आ चुका है। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 1233 नए मामले सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। जिलेवार आंकड़े की ओर अब बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अल्मोड़ा जिले की। अल्मोड़ा जिले में एक बार फिर से कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। जिले में कोरोना पिछले 24 घंटे में 11 नए केस मिले हैं कोरोना के। इसके अलावा अब बढ़ते हैं बागेश्वर जिले की ओर। बागेश्वर जिले में पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं चमोली जिले की ओर। चमोली जिले में भी कोरोना के 9 केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। बात करें अगर चंपावत जिले की, तो चंपावत जिले में पिछले 24 घंटों में 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं। अब चलते हैं राजधानी देहरादून की ओर। दोस्तों, राजधानी देहरादून में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बहुत चिंता करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर देखा जाए तो यहां हर रोज कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। लगातार दूसरे दिन 500 से ज्यादा नए केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में राजधानी देहरादून में कोरोना के 582 नए मामले सामने आए हैं। तो ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। अब चलते हैं हरिद्वार जिले की ओर। यहां से भी जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंता बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, हरिद्वार जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 386 नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं नैनीताल जिले की ओर। इस जिले में भी कोरोना का कहर है वो तेजी से बढ़ता जा रहा है और यहां भी पिछले 24 घंटों में कोरोना के 122 नए मामले सामने आए हैं। अब रुक करते हैं पिथौरागढ़ जिले का। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। बात करें अगर रुद्रप्रयाग जिले की, तो रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के 5 नए केस दर्ज किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। अब चलते हैं टिहरी गढ़वाल की ओर। दोस्तों, यहां भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटों में यहां कोरोना के 44 नए मामले सामने आए हैं। अब चलते हैं उधम सिंह नगर जिले की ओर। उधम सिंह नगर जिले में भी कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 104 नए केस दर्ज किए गए हैं। आखिर में बात करते हैं उत्तरकाशी जिले की। उत्तरकाशी जिले में पिछले 24 घंटों में 4 नए मामले सामने आए हैं। तो दोस्तों, आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। 6 जिलों में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है और आंकड़ों में पता चल रहा है कि मैदानी जिलों के अलावा पहाड़ भी अब कोरोना तेजी से चढ़ रहा है। ओवरऑल अगर आंकड़े की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में 8 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। वहीं अच्छी बात यह है कि 243 कोरोना संक्रमित जो पेशेंट थे वो रिकवर होकर अपने घर को वापस जा चुके हैं। लेकिन एक आंकड़ा जो लगातार चिंता बढ़ा रहा है वो है एक्टिव केस की संख्या। दोस्तों, जैसे जैसे उत्तराखंड में कोरोना के नए केस मिल रहे हैं वैसे वैसे उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अब 24 घंटों में कोरोना के 1333 नए मामले मिले हैं तो इसका सीधा सीधा असर हुआ है एक्टिव केस की संख्या पर, जो अब 7000 के पार जा चुकी है। जी हां दोस्तों, पिछले अब उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या हो चुकी है 7323, यानी कि अभी उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव केस हैं 7323। तो ये जो रफ्तार है कोरोना की बहुत डराने वाली है, आप लोग संभल जाइए। हम आपको लगातार आगाह करते आ रहे हैं कि कोरोना की लहर जो है वो काफी अब खतरनाक होती जा रही है। हर रोज इतने मामले सामने आ रहे हैं और मैदानी जिलों का हाल आपने देखा, पहाड़ी जिलों का हाल भी मैंने आपको बताया। आपको बताया कि आपके जिले में कोरोना की स्थिति क्या है, कितने मामले सामने आए हैं। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपसे ये जरूर अपील करूंगा कि अब अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत सावधान होकर निकलें, मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें और खुद तो जागरूक हों और लोगों को भी जागरूक करें। जागरूक होकर ही कोरोना से हमें मुक्ति मिलेगी। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है।
अब उत्तराखंड में कोरोना की जो स्थिति है वो बहुत डराने वाली है। अगर हाल ऐसे ही रहे तो लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। राजधानी देहरादून में पहले ही नाइट कर्फ्यू लग चुका है। अगर यही हाल रहे हरिद्वार से, अगर ऐसे ही केस बढ़ते रहे, नैनीताल में जो हाल है वो बहुत डराने वाले हैं। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। टिहरी की बात करें, पौड़ी गढ़वाल की बात करें, या किसी भी पहाड़ी जिले की बात करें, तो वहां भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सख्ती बढ़ानी पड़ेगी, तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो ये स्थिति अब हमारे हाथ में है, हमको ही काबू करना है। घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना है। अगर आपको बिना मास्क के कोई दिखता है तो उसको जागरूक करें, उसको समझाएं कि भाई मास्क पहने। कोरोना का प्रकोप हम ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है। एक बार फिर से कोरोना बलवान होता दिख रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया एक बार फिर से कोरोना की मार झेल रही है। कोरोना बुलेटिन मैंने आपको बताया, तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आपको कोरोना से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।